हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फरू फूड एंड व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की रेसिपी है वेजी चीज़ पॉकेट। सो हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए, आप देख ही सकते हो। और ये चीज़ लिया है मैंने, डाइस चीज़, स्लाइस चीज़, और ये ग्रेटेड चीज़ ले लेंगे। और ये पट्टी है, रोल की पट्टी ली है मैंने। और ये सेजवन सॉस, ये मैदा लिया है, उसको हम बाद में बताते हैं, बाद में बताती हूँ मैं आपको। ये शिमला मिर्ची और प्याज अच्छे से मैंने चॉप कर लिया था। गाजर भी मैंने खुरुच लिया था अच्छे से उसको। हरी मिर्ची और धनिया लेंगे। सेजवन चटनी ऐड कर लेंगे। और ये मेयो, वेज मेयो डाल देंगे। ये ज़्यादा अच्छे से क्वांटिटी में डालना गाइस, तो ही अच्छा लगेगा। और चीज़ तो ज़्यादा ही चाहिए, सो आप भी ज़रूर ट्राई करना। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, चाइनीज़ वेजी चीज़ पॉकेट है। और ये चीज़ डाल देंगे। और ये मैंने चीज़ अच्छे से खुरच लिया है, मुझे कम लगा, सो मैं थोड़ा और डाल दूँगी। ये देखिएगा काली मिर्च पाउडर, और ये डाइस चीज़ भी हम डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर ज़्यादा अच्छे से लेना, और नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिएगा, ये अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। और अब ओवन प्रीहीट करने में रख दूँगी। अगर आपके पास ओवन है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट ही फ्राई कर सकते हो। सो मैंने ये प्रीहीट कर लिया है। ये रोल की पट्टी भी ले ली है। चलिए अभी इसे हम भर लेते हैं पेस्ट के साथ। तो ये बीच में से कट करना है, दो पार्ट करना है, और ये बीच में लगा दिया है मैंने। और इसे फोल्ड कर लेंगे चारों बाजू। ये मैदा जो मैंने बताया था वो, और पानी डाल दिया था मैंने इसमें। अभी इसे हम चिपका लेंगे मैदे के मदद से। आप चाहे तो समोसे की जो पट्टी मिलती है उसमें भी आप बना सकते हो। मेरे पास ये रोल की पट्टी रखी हुई थी, सो मैं इसमें बना दिया मैंने। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कुछ नया बनाओ, सो मैंने ये ट्राई किया है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत ही पसंद आएगा। सो गाइस, इसी तरह मैंने सारे ऐसे बना लिए थे। अभी हमारा ओवन प्रीहीट हो चुका था तो हमने रख दिया है। अभी इसे हम बेक कर लेंगे। पिज़्ज़ा पे हम रख देंगे 15 मिनट। टेम्परेचर 200 दिया है यहाँ। चलिए अभी हम निकाल लेंगे, थोड़ा बटर लगा लेंगे। सबको बटर लगा देंगे अच्छे से। ये देखिएगा, मैंने सब पे बटर लगा लिया है। अभी हम वापस से ओवन में रख देंगे। मैंने पहले हाफ कुक किया था, 10 मिनट्स के लिए रखा था। अभी बटर लगा के हम पूरा बेक पिज़्ज़ा कर लेंगे। पिज़्ज़ा के टाइम पे रखी मैंने। ये देखिएगा कैसा फूल गया है ना, क्रिस्पी दिख रहा है आपको गाइस।
सो ये हो चुका है। आप चाहे तो डायरेक्ट तल भी सकते हो। सो गाइस ये हो चुका है चाइनीज वेजी चीज पॉकेट। ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया था और ये काफ़ी अच्छा भी बना था, टेस्टी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ। ये देखिए पूरा हो चुका है ये गाइस, ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।